नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ खड़े बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे भरमा बैंगन भी बोला जाता है और इस बैंगन को बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस बैंगन को मैंने किस तरीके से बनाया है और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये थोड़े से बैंगन को धोकर के हमने रख लिया है। 3 प्याज को इस तरीके से काट लिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 3 टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये हम बैंगन को कट लगाएंगे, तो इस तरीके से बीच से काटेंगे इसको, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये हमको नहीं काटना है। और इस तरीके से काट करके चेक कर लेंगे कि कहीं कीड़े उड़े तो नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल बैंगन साफ हैं। और इसी तरीके से हम सारे बैंगन को काट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे बैंगन को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है, और तेल को हम थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें हमें अपने बैंगन जो है उनको फ्राई करना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे। और इन्हें ढक लेंगे और इन्हें छोड़ना नहीं है, बीच बीच में से हम चलाते रहेंगे। इसे बीच बीच में इस तरीके से हमें चलाते रहना है। थोड़ा सा इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए बैंगन को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। हमें इनको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, 50% पकाना है इनको बस। तब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से पके हैं, इतने ही पकाने हैं क्योंकि अब ये ग्रेवी में भी पकेंगे। तो गैस को हमने फिर से जला दिया है और इसमें डाल देना है जीरा। ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से हम चला लेंगे। और अब डाल देना है लहसुन और प्याज। तो इसमें जो तेल बचा हुआ था उसी में छोड़ती हूँ, ज़्यादा तेल इसको निकाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। तेल बैंगन फ्राई करने से बचा था उसी तेल में मैं ये मसाले को फ्राई कर रही हूँ। देखिए प्याज को हमको इसको इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और आधा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा नमक हम बचा लेंगे बाद के लिए, और इन्हें मिक्स कर देंगे। और अब ढक करके इसे हम पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए, और गैस को मंदी कर देंगे ताकि जो हमने टमाटर डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए जो हमने टमाटर डाला था वो भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और प्याज भी इस तरीके से हो गई है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए मसाला को हमने इस तरीके से पीस लिया है। तो ये देखिए गैस पे हमने फिर से कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाल दिया है और तेल को हम थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देना ये जो हमने मसाला पीस करके रखा है वो डाल देंगे। ऐसे इस तरीके से मिला लें। तो ये देखिए मसाला को चलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसमें डाल देना है सूखे मसाले। हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो हमने हरी मिर्ची नहीं ली है और लाल मिर्ची थोड़ी सी हमने ज़्यादा ली है। ये काश्मीरी लाल मिर्ची है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और इसे हमें इस तरीके से चला चला करके अच्छे से पका लेना है सारे मसालों को। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें हमें डाल देना है पानी। तो ये हम 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं इसमें, और गैस को तेज कर देंगे। और अभी तक हमने गरम मसाला नहीं डाला है, गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे जब हमारी सब्जी 80% पक जाएगी, इसके बाद हम गरम मसाला डालेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है नमक, जो हमने नमक बचा लिया था वो डाल देंगे इसमें, और इसे भी इस तरीके से मिला लें। और अब इसे ढक देंगे और एक उबाल आने देंगे।
खोल करके इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक उबाल आ गई है ग्रेवी में। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे अपने बैंगन जो हमने फ्राई करके रखा था, वो डाल देंगे। ऐसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हम गैस को धीरे कर देंगे और इन्हें पकने देंगे और बीच बीच में इसे हम खोल खोल करके चेक करते रहेंगे। अब हम खोल करके चेक कर लेंगे। तो बैंगन को डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तक इस सब्जी को हम इसी तरीके से धीमी आंच पे पकने दिए हैं। और अब इसमें हमें डालना है गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था, आप डालेंगे। और इसे भी इस तरीके से अच्छे से मिला लें। तो अब इसमें हम ढक्कन लगा करके इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए अब हम खोल कर इसे एक बार और चला लेंगे इस तरीके से। और हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक गई है। इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती और इसे इस तरीके से मिला लें। गैस को बंद कर देंगे। तो एक बार आप इस तरीके से बैंगन जरूर बनाइएगा। अगर आप इस तरीके से बना लिए तो जो आप भरमा बैंगन बनाते हैं ना, वो खाना भूल जाएंगे और हमेशा इसी को बना करके खाएंगे। इतने टेस्टी बनते हैं ये वाले बैंगन। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारे बहुत ही टेस्टी भरमा बैंगन बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सब